हे फ्रेंड्स, आइए नया वीक आ गया है और बनाना शुरू करते हैं आज कचौड़ी। आज बनाएंगे हम रोस्टेड चना की कचौड़ी, रोस्टेड चने की कचौड़ी। जी हाँ, यानी कि हमारी सत्तू की कचौड़ी। सत्तू की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आउटर कवरिंग के लिए ले लेते हैं 2 कप मैदा। इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करी मैंने, कि लगभग 1 टीस्पून के अराउंड हमने अजवाइन ऐड करी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सॉल्ट ऐड कर दीजिए मैदा में और अच्छे से एक बार सब मिक्स कर लीजिए आपस में। इसके बाद हम 1/4 कप के अराउंड हम शुद्ध घी इसमें ऐड करेंगे मोइन के लिए, और इसको अच्छे से रब करेंगे मैदा में ताकि मोइन अच्छे से लग जाए, सारे मैदा में कवर हो जाए। जल्दी से कर लेते हैं इसे, हम इस तरीके से इसको रब करते जाएंगे और थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे और हम एक अच्छा सा सॉफ्ट, रोटी से भी सॉफ्ट डो हम इसका तैयार करके रेडी करके रखेंगे। ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, कवर करके लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए हमारा। आइए बनाना शुरू करते हैं जल्दी से हम अंदर की स्टफिंग के लिए। पैन रखते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, ये लगभग 2 से 3 टीस्पून के अराउंड ऑयल ऐड किया है। सबसे पहले ऐड करना शुरू करेंगे ग्रीन चिलीज, फिर जिंजर, फिर जीरा, धनिया सौंफ पाउडर और कुटा हुआ धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे पहले एक बार। और अब आपके पास यदि सत्तू हो तो आप सत्तू ले सकते हैं 1/2 कप, या फिर यदि आपके पास रोस्टेड चने हो तो आप उसको क्रश कर लीजिए और उसको सिफ्ट से छान लीजिए तो आपका सत्तू बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1/2 कप सत्तू लिया हुआ है। इसमें हम ऐड करते हैं 3 टेबलस्पून के अराउंड बेसन, लाल मिर्च। खटाई के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून के अराउंड हम सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून के अराउंड शुगर, और थोड़ा सा इसको मॉइस्टनेस देने के लिए हम इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। इस सबको अच्छे से मिक्स करते जाते हैं और चलाते जाएंगे और थोड़ा सा इसको मॉइस्ट करेंगे ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो थोड़ी सी मॉइस्ट रहे। ऐड करते हैं दही, यदि आप दही ऐड करना चाहो तो आप दही ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो जाएगी। इसको हम ठंडा करेंगे स्टफिंग को, और जब हमारा आटा भी सेट हो जाएगा तो आके हम सबसे पहले हम आटे की बॉल्स को डिवाइड करेंगे, आटे को डिवाइड करेंगे इक्वली बॉल्स में, और उसके बाद हम हमारी कचौड़ी की कवरिंग तैयार करेंगे, स्टफिंग भरेंगे। ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं तब तक। यहाँ पे हमने इक्वली डिवाइड किया है, आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं एक एक छोटी छोटी सी कटोरी बना रहा हूँ और उसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग, लगभग 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून के अराउंड ही स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग रखते जाइए, अच्छे से सील कीजिए और इसको प्रेस करके पहले 1/2 में हम सबसे पहले जो जब बनाने की हम प्रोसेस में पहले सबको स्टफ़ कर लेते हैं इस तरीके से, और लास्ट में जब हम इनको ऑयल में छोड़ेंगे उसके पहले हम एक हल्का सा हम इसको रोल आउट करेंगे रोलिंग पिन से, और फिर इसको हम ऑयल में फूलने के लिए और अच्छे से बढ़िया खस्ता कचौड़ी बनने के लिए छोड़ देंगे। आप देखेंगे ऑयल बिल्कुल लो से मीडियम टेम्परेचर पर गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ऑयल, नहीं तो आपकी कचौड़ी एकदम ख़राब हो जाएगी। तो अच्छे से फूलने का जो प्रोसेस है कचौड़ी का वो इसी तरीके से आता है कि आप बिल्कुल लो मीडियम पे, लो मीडियम से भी कम लो पे आप ऑयल को गर्म होने दें। कचौड़ी एक तरफ सिकने में लगभग कम से कम 10 मिनट लगेगी, तो टोटल आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अच्छे से कचौड़ियों को सेकने में। तो आप देखेंगे किस तरीके से कचौड़ियाँ बढ़िया फूलना शुरू हो गई हैं, गुप्पा कचौड़ी हो गई हैं तैयार होके। तो हम इसको जल्दी से, एक तरफ जब फूलना शुरू हो जाती है, कलर हल्का हल्का चेंज होने लगेगा गोल्डन, तो हम इसको टर्न करेंगे। ये लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं एक तरफ तलते हुए, अब इनको हमने टर्न कर लिया है। और एक साथ बड़े पैन में, जैसे आपको पहले भी बोला था कि कुछ चीज़ें जो हमें ज़्यादा बनानी रहती हैं, तो यदि हम एक साथ बड़े कढ़ाई में, यदि फ्लैप चौड़ी वाली कढ़ाई में यदि आप बनाते हो तो बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से एक बार में ही सारी चीज़ें तल जाती हैं। तल गई हैं यहाँ पे कचौड़ियाँ, इसको सर्व करते हैं ताज़े अचार के संग और शाम की चाय के संग। इसका खाने का इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जो कचौड़ी प्रेमी हैं उनको हर तरह की कचौड़ी पसंद आती है, चाहे वो दाल की कचौड़ी हो, चाहे मूंग की कचौड़ी हो, चाहे प्याज की कचौड़ी हो, चाहे मटर की कचौड़ी हो। तो ये सब चीज़ें एक ही जगह मिल सकती है जो कि है इंडिया में। तो लेकिन हम बना सकते हैं, आज इतनी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है बनाने के लिए, बस ये है कि बनाने की देर है। आप बनाइए किचन में जाके और इन्जॉय कीजिए इस खस्ता कचौड़ी को, मैं जाके इसको चाय के संग इन्जॉय करता हूँ। मिलते हैं एक और नई फन क्रिएटिव रेसिपी के संग, तब तक के लिए बाय बाय।